कोशिश कर रहा हूँ, बहुत हिम्मत लग रही है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन वो थोड़ी सी हिम्मत और आ जाएगी ना, उस दिन ये सारा मैच क्लियर कर दूंगा। What's up मेरे फ्रेंड्स, hope you guys are doing fantastic today. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको सोनी A6400 की एक अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जो कि मेरे को अभी अभी पता चली है। और उस ट्रिक की मदद से हम अपने कैमरे का वाइट बैलेंस एक्यूरेटली सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमको टाइम की बहुत बचत करने को मिलेगी उस ट्रिक की मदद से। नॉर्मली हम ऑटो वाइट बैलेंस क्यों नहीं यूज़ करते हैं? आपने किसी भी प्रोफेशनल को बोलते हो सुना होगा कि भैया ऑटो वाइट बैलेंस को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, यू नो हमेशा मैनुअल जाके डायल करना चाहिए ताकि आपका वाइट बैलेंस एकदम कंसिस्टेंस रहे, क्योंकि ऑटो वाइट बैलेंस कभी भी चेंज हो जाता है। आपकी लाइट का सिनेरियो अगर चेंज होगा, लाइटिंग थोड़ी सी भी चेंज होगी तो ऑटो वाइट बैलेंस भी चेंज हो जाएगा। और कई कई बार ये क्या होता है कि एक क्लिप के अंदर मल्टीपल टाइम्स ऑटो वाइट बैलेंस चेंज हो जाता है, जो कि एडिटिंग के टाइम में बहुत ही दिक्कत आती है उसको फिक्स करने में। तो आज की जो मेरी ट्रिक है वो बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है और वो इसको चेंज होने से रोकेगी। हालांकि आप ऑटो वाइट बैलेंस ही यूज़ करेंगे लेकिन आप अपने ऑटो वाइट बैलेंस को लॉक कर पाएंगे। जहाँ पे भी आपको लगे कि ये आपके ऑटो वाइट बैलेंस में एक्यूरेट कलर आ रहे हैं, वहाँ पे एक बटन दबाएंगे और आपका ऑटो वाइट बैलेंस लॉक हो जाएगा और वो तब तक लॉक रहेगा जब तक कि आप उसको अनलॉक ना कर दें। विच मीन्स कि आपको थ्रू आउट द वीडियो, आपकी पूरी क्लिप में आपको एक सा वाइट बैलेंस मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है वीडियो के लिए। तो भैया चलो सेटिंग वाले सेक्शन में चलते हैं और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इस सेटिंग को कहाँ से एक्सेस करना है, कौन से शॉर्टकट बटन में असाइन करना है और हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। लेट्स गो। तो गाइज, इस सेटिंग को सेटअप करने के लिए हमको सबसे पहले अपने कैमरा मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा और मेन्यू में जाने के बाद आपका जो सेकंड कैटेगरी है इसके 8वें पेज के पेज में आपको एक कस्टम ऑपरेशन दिखेगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है जिसमें लिखा है कस्टम की और वीडियो का आइकन बनाए, आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये बटन आ गया और इस बटन की लोकेशन और शॉर्टकट दिखाए हैं, तो इसमें आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसमें एंटर करेंगे। आप इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करने के बाद इसमें आप एंटर करेंगे तो इसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस दिखा देगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ से आपको ये ऑटो वाइट बैलेंस लॉक टॉगल ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके सेट कर लेना है इस पर, और हम मेन्यू दबा के बाहर आ जाएंगे और दैट सेट आपका सेटअप हो गया। अब जब भी आपको वाइट बैलेंस को लॉक करना होगा अपने कैमरा के, इस वाले बटन को AEL की तरफ स्विच करेंगे और उसके बाद ये जो सेंटर में आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा है ना, इसको जब भी आप थंब से दबाएंगे, जब भी ये AEL की तरफ होगा और आप इसको थंब से दबाएंगे तो आपका ऑटो वाइट बैलेंस लॉक हो जाएगा और ये तब तक लॉक रहेगा जब तक कि आप इसको दोबारा दबा के अनलॉक ना कर दें। तो भैया मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। अगर आपका इस ट्रिक से कोई भी सवाल है या कोई कमेंट है तो आप मेरी वीडियो के नीचे, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कौवे ने कन्फ्यूज़ कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल भी मिलेगा, आप वहाँ पर आके मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे को पर्सनली DM करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही है भाई, एंजॉय करो, मस्त रहो और इस ट्रिक को यूज़ करो एंड मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। टिल द टाइम हैव फन, बाय बाय, जय हिंद।